देश के प्रधानमंत्री एक तरफ हाथ जोड़कर लोगों से कोरोना पर जीत पाने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूरी बनाकर रहने की बात कह रहे हैं और अलग अलग कमरों में रहने और मास्क और सैनिटाइज के इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर भी अपनी जान पर खेल कर एक व्यक्ति को ठीक करने के तमाम कोशिश कर रहे हैं। कोरोना को खत्म करने के लिए करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री के आदेशों के द्वारा धारा 144 लॉकडाउन का कानून का ओखला इलाके के हरकेश नगर गांव मेट्रो स्टेशन के पास कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। ओखला के तमाम कैंपों में खुलेआम उल्लंघन करते लोग देखे जा सकते हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर धड़ल्ले से बाजार लगा हुआ है। शाम के वक्त लोग यहाँ पर सब्जियां लेने खरीद रहे हैं और यहाँ पर धारा 144 का कोई भी पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए किस तरीके से यहाँ की तस्वीरें देखिए कि राजधानी दिल्ली के ये ओखला इलाके की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ओखला इलाके के हरकेश नगर गांव मेट्रो स्टेशन के पास ओखला के तमाम कैंपों में इसी तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पर आप देखिए किस तरीके से भीड़ लगी हुई धारा 144 को लेकर कोई भी यहाँ पर पाबंदी देखने को नहीं मिली और यहाँ पर कोई भी दिल्ली पुलिस का नुमाइंदा भी देखने को नहीं मिला। शायद इसी वजह से कोरोना वायरस पर अभी तक कोई रोक लगाने का ठोस कदम नहीं उठता हुआ दिख रहा। तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के ओखला इलाके की जहाँ पर किस तरीके से बाजार लगे हुए हैं। शाम के टाइम कुछ ज़्यादा भीड़ हो जाती है, उस टाइम पुलिस प्रशासन अगर ध्यान दे तो मतलब यहाँ भीड़ कम हो सकती है, शाम के टाइम ज़्यादा होती है। जिस तरीके से यहाँ पे ये मंडी जो है रोज यहाँ पे लग रही है जी, और लगभग कितने लोग होंगे यहाँ पे? लोग तो काफ़ी हैं आपके सामने ही हैं, देख लो लोग कितने हैं। खरीदने वाले कम हैं, घूमने वाले ज़्यादा हैं। लॉकडाउन का असर लोगों के लिए कहीं ना कहीं मजाक लग रहा है और लोग इसको समझ नहीं रहे। कोरोना के 5 केस हो रहे हैं तब भी यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से लगातार जो कोरोना के केस हैं बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इससे सबक लेने को तैयार नहीं है। तकरीबन 600 से ज़्यादा जो केस हैं अभी तक पूरे भारत में कोरोना के सामने आ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग अभी तक इसको अनदेखा कर रहे हैं और लगातार जो कोरोना के लेकर प्रशासन जो काम कर रहा उसको ये ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आपका नाम? आपका नाम धर्मवीर। धर्मवीर जी, हरकेश नगर में लोगों की भीड़ है जबकि लॉकडाउन किया गया है। हाँ जी, लॉकडाउन भी किया, धारे तौर से लगी है, लेकिन लोग इसको मजाक समझ रहे हैं जबकि हमारे इस नगर से 5 केस ऑलरेडी कोरोना के हो चुके हैं। तभी हाल है मंडी में ऐसे घूम रहे लोग, भेड़ बकरी घूमते गाँव में ऐसे। अगर किसी को कुछ हो गया तो कौन सवाल है? मोदी ने अगर हाथ जोड़े प्रार्थना की है कि घरों में रहो, रथ पानी लेकिन स्थानीय प्रशासन पुलिस जो है वो कोई कार्रवाई, पुलिस आती है, पुलिस इधर आएगी इधर भग जाएंगे, पुलिस उधर जाएंगे तो इधर आ जाएंगे। फिर पुलिस वाले आए तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है ना, पुलिस तो कर रही है अपना काम, लेकिन हमारी अपनी खुद जिम्मेदारी बनती है, लेकिन नागरिक होने जो हमें करनी चाहिए देश के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर आरडब्ल्यू के लोग भी जो हैं वो भी परेशान इस बाजार को लेकर, और साथ ही साथ जब हमारे संवाददाता संजीव सिंह यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने जाना लोगों से और इसकी सूचना जो है दिल्ली पुलिस को दी। अब देखना होगा दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है। दिल्ली से आप देख रहे हैं संजीव सिंह की रिपोर्ट। बड़ाना वीर सिंह जी, हरिकेश नगर में लोगों की काफ़ी भीड़ है, क्या कहेंगे? भीड़ है, ये जो शाम के टाइम भीड़ होती है, पूरा दिन तो ये लोग नहीं निकलते हैं लेकिन इनको आदत पड़ी है, जो शाम को इनका निकलने की आदत है 5 से लेकर 7 बजे तक 8 बजे तक। इसको थोड़ा प्रशासन टाइट ले, हमारे मोदी जी इतने बढ़िया काम कर रहे हैं कि बाहर के जो इतनी स्थिति खराब हो गई उसको देखते हुए, और अब भी हमारे ये लोग सबक नहीं ले पा रहे हैं। पार्कों में हमारे में ऐसे भीड़ रह रही है, हरिकेश नगर के पार्क में, मंडी में इतनी भीड़ है, लोग आना जाना बंद नहीं कर रहे। हम आज हमने खुद भी घूम के लोगों को भगाया है, लेकिन थोड़ा सा प्रशासन को भी थोड़ा स्ट्रिक होना पड़ेगा इस मामले में।